जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप SSB का ट्रीटमेंट का जो फिजिकल हुआ था मार्च में, फरवरी से लेकर मार्च तक, इसका आप एडमिट कार्ड अपने मोबाइल फोन से कैसे डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड आ चुका है तो इसके लिए आपको अपने गूगल पर सर्च करना है SSB रिक्रूटमेंट। अब जैसे ही आप SSB रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा, www.ssbrecruit.gov.in। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है SSB का। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने अगर कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक होम का बटन दिखेगा। इस होम के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे होम के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप होम के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट अभी अप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये दिखेगा, देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटनरी, वाशरमैन, बार्बर, गार्डनर, पेंटर, टेलर, प्लम्बर, कारपेंटर, आया यहाँ पे कॉबलर, सफाई वाला, कुक, वाटर कैरियर, वेटर, इसका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि SSB का रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो अब SSB का रोल नंबर जो है ना, ये आपके जो फिजिकल जब आप क्वालिफाई किए थे तो आपके एडमिट कार्ड पे क्वालिफाई इन PST पे मोहर मार के दिया गया था ना, उसी को यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि उसी को यहाँ पे डाल लेना है। और फिर यहाँ पे क्या करना है ना कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, या मतलब जैसे जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। जैसे मैं भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लूँगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको क्या है ना कि फिर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ना, इस कैप्चा को आपको फिल करना है नीचे वाले बॉक्स में। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है मेरा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या है ना कि कैप्चा डालना है, जो यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, जैसे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, तो कैप्चा जो है ना, हम यहाँ पे अपना कैप्चा डाल लेते हैं UKK के बाद यहाँ पे है Z के बाद है S, उसके बाद है P7 और यहाँ पे है 7। ये डालने के बाद हम यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे जो लॉगिन का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स का एक सेक्शन खुल के आएगा, एडमिट कार्ड का खुल के आएगा, फिर नीचे भी पर्सनल डिटेल्स है। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके आएंगे ना, तो यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर, ये सब यहाँ पे रहेगा। तो अब आपको क्या करना है ना कि सिंपली यहाँ पे एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेबल नॉन GD आयोन डिजिटल जोन कच्ची पक्की में मेरा एग्जाम है। यहाँ पे हॉल टिकट पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम डाउनलोड अगैन पे क्लिक करते हैं और मेरा जो एडमिट कार्ड है ना, ये डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हैं ये जो है ना, यहाँ पे दो इसमें फोटो दिखाई दे रहा है, एक फोटो जो है फॉर्म भरते समय हम दिए थे और दूसरा फोटो फिजिकल के टाइम का है, जो कि 4800 मीटर का रनिंग हुआ था, आपको क्वालिफाई करना था 24 मिनट में। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो जो मेरा एग्ज़ाम है ना, यहाँ पे उपस्थित होने का समय देखिए 3 बजे है और यहाँ पे प्रवेश बंद होने का समय 4 बजे है और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का कोड जो है वो 9058 है। मेरा एग्ज़ाम जो है यहाँ पे परीक्षा केंद्र देखिए आयोन डिजिटल जोन कच्ची पक्की जो है ये मुजफ्फरपुर में है, यहाँ पे रंजीत कोल्ड स्टोर के सामने ये पड़ता है, 23 जून 2023 को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पे ये एडमिट कार्ड निकाल लेना है और आपको सिलेबस भी बता देते हैं। देखिए एग्जाम का सिलेबस जो है ना, वो आपसे 25 नंबर के मैथ पूछे जाएंगे और 25 नंबर के रीजनिंग पूछे जाएंगे और 25 नंबर के आपसे हिंदी या इंग्लिश पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक आपको बनाना है, और 25 नंबर के GK पूछे जाएंगे। यहीं आपका सिलेबस रहेगा। आपको एडमिट कार्ड ले लेना है और एक ओरिजिनल ID ले लेना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक ले लेना है। आप जाइए, एग्जाम दीजिए और बेस्ट ऑफ लक। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पता चल गया कि SSB ट्रेडमैन, कॉन्स्टेबल, ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।